जी नहीं है ना, थोड़े कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा लेटेस्ट सोर्सेस है, टाइम कैसे नहीं वेस्ट करना है ना। तो अगर वो नहीं पता है आपके पास आपको, तो फिर ये बहुत डॉन्टिंग लगेगा, आपको लगेगा मेरे तो बस की बात नहीं है, नहीं होगा मुझे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा स्ट्रेटेजी है तो चांसेस आर देयर, आपने आईएएस के लिए प्रिपेयर किया, यू माइट गेट सेलेक्टेड इनटू असिस्टेंट कमांडेंट, और आपने यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पढ़ा, यू माइट गेट सेलेक्टेड इनटू एसआई, है ना। हम ये सब बोलते हैं ना कि लक्ष्य ऊंचा रखो, तो वहां नहीं भी पहुंचते तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे, है ना। तो वो चीज सोच के आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जिनको भी इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इंटरेस्ट के अलावा इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपको बैठना, वो उससे नहीं होगा, है ना। सम पीपल माइट गो वांट टू गो टू इनटू बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप और आर्टिस्ट और कुछ भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन जिनको बैठना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो उनके लिए ज्यादा रेलिवेंट है। तो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरली क्या देखा जाता है, यू नो व्हाट दे जज, है ना। लाखों कैंडिडेट होते हैं, हजारों कैंडिडेट होते हैं, वो देखना क्या चाहते हैं, और हर कोई रिक्रूटिंग जो एजेंसीज होते हैं वो क्या देखते हैं एक कैंडिडेट में। तो सबसे पहली बात ये है, देखो सबसे पहली बात वो ये देखते हैं एक कैंडिडेट अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास इश्यू से अवेयर है कि नहीं। अगर आप बहुत डिसकनेक्टेड हो तो आपका चांस बिल्कुल जीरो हो जाता है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट अ कैंडिडेट हु लिव्स इन वेरिटेज, वो कहीं और रह रहा हो, अपने धुन में रह रहा हो, ऐसा कैंडिडेट उनको नहीं चाहिए। उनको ये कैंडिडेट चाहिए जो जिनको सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड में इश्यूज और प्रॉब्लम्स का पता हो, सो दैट वो आदमी एक पोजीशन पे बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सके। उनको एक ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए होता है जो अनअवेयर हो। और अवेयरनेस कैसे आता है, न्यूज पेपर्स, मैगजीन्स, वीडियोज, बुक्स पढ़ना, स्कूल कॉलेजेस, इन सबसे अवेयरनेस होता है, अलग अलग मतलब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से अवेयरनेस आता है ना। उसके बाद अप्रोच, अब किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने का तरीका क्या होता है। जनरली हमें पता है हम सब रट्टा मारते हैं, है ना। अब कोविड के दो साल के लॉकडाउन में तो हमने रट्टा भी नहीं मारा, क्योंकि एग्जाम तो ऑनलाइन हो गया, तो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, है ना। तो ना रट्टा मारना है ना कॉपी पेस्ट करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। जो भी आपको टॉपिक समझाया जाता है वो बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना, उसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, अंडरस्टैंडिंग। एंड कुछ पोर्शन होते हैं जो मेमोराइजिंग होता है, सारे मेमोराइज नहीं करना है, और मेमोराइज करने के पीछे भी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। आपका मेमोराइज करने वाला सेक्शन ईजी हो जाता है अगर आप उसको अंडरस्टैंड करके फिर मेमोराइज करते हो, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो एक दिन कर लिया, दो दिन कर लिया, दो रात कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ कंसिस्टेंट, इट नीड्स कंसिस्टेंसी, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये शुरू तो स्कूल से ही होता है, जब आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ रहे हो, आप बहुत लाइवली लेते हो, मजाक समझते हो स्कूल के कॉन्सेप्ट को, लेकिन आज जाके वहीं पे ठहर जाता है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितना स्ट्रांग है, स्कूल में आप कितने कंसिस्टेंसी से क्लास लगाए हो, टीचर की बात कितने ध्यान से सुना हो, स्कूल के एग्जाम, यूनिवर्सिटी के एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम आपने कितनी सिंसियरली दिया हो, उन्हीं सब बातों पे डिपेंड करता है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी, एक कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहिए, ठीक है। और अभी जो स्कूल में बच्चे हैं उनके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जो सिलेबस में दिए हुए किताबें हैं उनको ठीक से और सिंसियरली करने की जरूरत है, ठीक है। देन जब पेपर देने के लिए दो तीन साल के लिए आप बैठते हो प्रिपरेशन में, तब अलग से फिर अलग स्ट्रेटेजी के साथ पेपर के लिए पढ़ते हैं। अभी आपका काम है वट एवर यू हैव प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, एनसीईआरटी बुक, क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन के जर्नी में आपने अपना मेहनत कर लिया है, एफर्ट कर लिया है, ठीक है। अब कमिटमेंट, एक सिंसियर कमिटमेंट बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ बहुत अनफॉर्चुनेटली और सैडली ये देखा है, बच्चे बहुत चीटिंग में बिलीव करते हैं, तो चीटिंग जो है वो बिल्कुल एक सिंसियर एफर्ट नहीं है आपका, इट्स कम्प्लीटली, अगर हम अपने शब्दों में मतलब ट्रांसलेट करके बोलें तो बेईमानी वाली बात है आपकी, ईमान नहीं है आपकी स्टडी में,
तो आपको बहुत मटेरियल्स जो पढ़ना है वो तो आपके पास धीरे धीरे आ ही जाएगा. व्हेन यू सिट फॉर अ प्रिपरेशन, व्हेन यू सिट फॉर अ पेपर, एक टारगेट रख के आप बैठते हो तो आसपास लोगों से पूछते हो, कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हो, कुछ इस तरह के टॉक्स होते हैं तो पता लग जाएगा स्टडी सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कौन सा वेबसाइट देखना है, बुक्स कौन सा पढ़ना है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, मैगजीन क्या पढ़ने हैं या कौन सा नहीं पढ़ना है. इन सब के पीछे जो पिलर ऑफ यू नो द कोर और एसेंस जो है वो कमिटमेंट है, सिंसियर कमिटमेंट टू स्टडी. अगर जब तक ये नहीं है तो आज के डेट में जॉब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू पास करके आपको मिलना भूल जाइए. दिस इज द फर्स्ट. उसके बाद अब एक चीज है, अब मैंने खुद इस जर्नी को आई लिव्ड इट फॉर 3 years एंड आई गॉट टिल इंटरव्यू एंड आई वॉज सिटिंग इन इंटरव्यू बोर्ड इन UPSC यू नो ढोलपुर हाउस इन न्यू दिल्ली एंड देट वॉज ऑल टूगेदर अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. एंड तो इस जर्नी के चलते हुए अगर मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ तो आई विल से यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, फंडामेंटल और बेसिक्स. मैथ्स की हो, सोशल साइंसेस की हो, हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, ये सब स्कूलों में पढ़ाया जाता है. और अगर आपने स्कूल ठीक से कर लिया तो मैं वही बोल रही हूँ, आधा काम आपका सॉल्व है. नॉलेज बिगिंस फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट. बेसिक कॉन्सेप्ट अगर फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो वाला चीज स्कूल में पढ़ाया जाएगा ना. बड़े होके तो उसके बहुत सारी चीजें और एडवांस लेवल में पढ़ते, तो स्कूल में जो बेसिक्स पढ़ाया जाता है पहले आपको बेसिक्स पे बहुत सिंसियरली फोकस और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. ओके फिर एक चीज होती है, जब किताब पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा नोट्स लेना जरूरी हो जाता है एक कॉपी रख के, क्योंकि वो रिवाइज भी करते हो तो अच्छा रहता है आपने अपने हैंड से लिखा हुआ. एक दूसरी चीज ये है जो आपको सारे एग्जाम्स के लिए दरवाजा खोलता है, दैट इज रीडिंग हैबिट. यू नो पढ़ने की एक हैबिट अगर नहीं है, अभी तक कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, एक्स्ट्रा तो छोड़ो मैंने सिलेबस भी नहीं पढ़ा, ये गिल्ट अगर आपके अंदर है तो प्लीज कोशिश कीजिए हर एक एक दिन में एक पेज ही पढ़िए, एक पैराग्राफ से शुरू कीजिए पहले, लेकिन वो कंसिस्टेंटली रखिए, बिकॉज रीडिंग ओपन्स अ वेरी न्यू एंड बिग होराइजन फॉर यू. यू नो अदर देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो रीडिंग हैबिट इज समथिंग विच यू नीड टू इनकल्केट इन टूडेज वर्ल्ड, अदरवाइज सिलेबस इज वेरी लिमिटेड. ओके एंड टाइम इज लिमिटेड. एक सेमेस्टर दो महीने में खत्म हो जाता है, ग्रेजुएशन 3 साल में खत्म हो जाएगा. उसके अलावा आपने क्या गेन किया वो बाकी सारे एक्टिविटीज है जिसमें रीडिंग एक बहुत फंडामेंटल चीज है. रीडिंग, थिंकिंग, रिलेटिंग, डिवाइडिंग. और एक चीज हमारे लद्दाख के बच्चों में मैंने ये देखा है, व्हेनेवर वी टीच यू सम कॉन्सेप्ट आपको लगता है वो कॉन्सेप्ट आसमान से आया होगा, कहीं से पता नहीं क्या है, मैं रिलेट ही नहीं.